नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज न्यूज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक एहसानंद के निर्देशानुसार विधान परिषद चुनाव के दृष्टिगत अपराधियों की धरपकड़ हेतु शाहजहांपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 3 दिवसीय अभियान के दूसरे दिन पुलिस ने जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 24 घंटे में 59 शराब कारोबारियों सहित 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 852 लीटर अवैध शराब, 22 भट्टी सहित अवैध शस्त्र बरामद किए हैं तथा 14,450 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार का। सर, शाहजहांपुर पुलिस द्वारा विधान परिषद चुनाव के दृष्टिगत 3 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, इसमें दूसरे दिन शाहजहांपुर पुलिस को क्या सफलता मिली है? शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से चलाए जा रहे 3 दिवसीय अभियान में पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें आज तीसरे दिन 73 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 59 व्यक्ति अवैध शराब के कारोबार में गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से कुल 850 लीटर देसी अवैध शराब बरामद हुई है, 15,000 लीटर लहन नष्ट की गई है इनकी और 22 भट्टियाँ बरामद हुई हैं। 12 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं NBW 151 के मामले में, एक अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं सट्टा और अवैध शस्त्र के मामले में। इन सभी की गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।